हेलो स्टूडेंट्स, मैं ज्योति पाराशर आपके साथ सीएस स्टडी पॉइंट में लेके आई हूँ। जो डीबीएमएस के अभी हमने चैप्टर कंप्लीट किया फर्स्ट, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। अभी आपको जैसे सीबीएसई बोर्ड आपको क्वेश्चन देता है, आपसे पूछता है कि पहला क्वेश्चन ये कहता है यहाँ पे, व्हाट इज़ ए डाटाबेस सिस्टम। अब आपने डाटाबेस सिस्टम में पढ़ा भी है, हमने जब हमने स्टार्टिंग की थी चैप्टर की, तो उसमें बताया गया था कि डाटाबेस क्या है और हमें इसकी क्यों ज़रूरत हुई। अब अच्छे कोई भी हम काम करते हैं तो हमें यही पता होना चाहिए ना कि वो है क्या, और हम उसको अगर कर रहे हैं तो उसको क्यों कर रहे हैं ये भी पता होना चाहिए, उसकी नीड क्यों है। जब भी हम कोई घर में कोई चीज़ लेके आते हैं तो हम उसके बारे में पहले सर्वे करते हैं, और फिर हम ये भी देख के चलते हैं कि उसकी नीड क्या है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, तो डेफिनेशन में कहता है, ए डाटाबेस इज़ ए कलेक्शंस ऑफ इंटरलेटेड डाटा एंड द डाटाबेस सिस्टम इज अ बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। यहाँ पे क्या है कि कलेक्शन करता है डाटा और ये कंप्यूटर के अंदर इसको रिकॉर्ड करके चलता है। और यहाँ पे क्या है, अगर इसका मेन जो फंक्शन है कि ये क्या करता है, जो हमारी जो इसकी मेजर्स लिमिट्स है ना डाटा की, रेजिडेंसी, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा और इनकंसिस्टेंसी, अनशेयरेबल डाटा, अनऑथोराइज डाटा होता है, जो इनसिक्योर डाटा एंड इनकोरेक्ट डाटा है उसको ये हेल्प करता है हमें एफिशिएंट बनाने के लिए। ऑन द अदर हैंड, ए डाटा सिस्टम्स ओवरकम ऑल द लिमिट्स एंड इंश्योर्स अ कंटिन्यूअस एफिशिएंसी। जब अगर आप अपने डाटा को किसी के हाथों में देते हो, तो वहाँ पे आपके पास एक श्योरिटी होती है कि वो उसको देख तो पाएगा पर अपडेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बात करते हैं द एडवांटेजेस, मतलब इसकी नीड्स क्यों हुई, कि क्या करता है, रिड्यूस करता है रेजिडेंसी को, सिक्योर शेयर्ड करता है, यहाँ पे सिक्योर है डाटा, कंट्रोल होती है और स्टैंडर्डाइज एक फॉर्म में होता है और एक यूनिक स्टैंडर्डाइज डाटा होता है। ये बात समझ में आई। अब क्या कहता है नीचे, टू हैव द सिस्टम विथ इंक्रीज परफॉर्मेंस, सिस्टम की क्या हो जाती है, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है एंड एफिशियंस हो जाती है। द डाटाबेस सिस्टम्स आर द परफॉर्म्ड, ठीक है बच्चों। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करवाइए उनसे कह के, ठीक है। अब आप आगे चलते हैं, कहता है कैन यू थिंक ऑफ दिस एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए डाटाबेस सिस्टम, व्हाट आर दीज, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं, इसके कुछ, अगर हम कोई भी चीज़ लेके आते हैं बच्चों, उसकी ड्रॉबैक भी होती है। ये तो है नहीं कि कोई भी ड्रॉबैक नहीं होती, हर चीज़ की एक ड्रॉबैक होती है। यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी में भी द कॉम्प्रोमाइज्ड विदाउट गुड कंट्रोल। अगर किसी के हाथों में, अच्छे हाथों में उसका गुड कंट्रोल नहीं है ना, तो हम वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं सिक्योरिटी के लिए। इंटीग्रिटीज़ में भी, जहाँ पे आपकी गुड कंट्रोल नहीं होगी तो वहाँ पे क्या है, एक यूनिकनेस नहीं होगी। एक्स्ट्रा हार्डवेयर एंड में भी रिक्वायर हो सकता है। परफॉर्मेंस ओवर हेड में भी द सिग्निफिकेंट, जो क्या है, जो परफॉर्मेंस होगी वो दूसरे हाथों में भी जा सकती है। सिस्टम इज लाइकली टू बी कॉम्प्लेक्स, और इससे क्या होगा, सिस्टम हमारा क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। समझ में आई ये बात बच्चों। अब हम आगे चलते हैं। अब ये देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे अब हमने पढ़ा कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं, हमारी प्राइमरी की क्या होती है। अब पहले इसके क्वेश्चंस को पढ़ते हैं हम। ए डाटाबेस इज टू कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन एंड स्किल एट ए पर्टिकुलर टाइम। द फॉलोइंग पर्सन आर रिप्रेजेंटेड इन द डाटाबेस एंड देयर स्किल आर एज इंडिकेटेड। तो यहाँ पे पर्सन दिया हुआ है और स्किल दी हुई है। अनुज प्रोग्रामिंग करता है, भावना ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग करती है, चेतन इंजीनियरिंग एंड प्रोग्रामिंग करता है, और डेविड ऑपरेटिंग एंड इंजीनियरिंग करता है। तो ये हमने उस पर्सन की स्किल पता है कि वो क्या क्या काम करता है। अब नीचे कहता है ये
For each person that the database contain various personal details, उस डाटाबेस के अंदर पर्सनल डिटेल भी है, सच ए एड्रेस है, फॉर ई स्किल इज कंटेन, हर स्किल के कंटेन करना है, एंड आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट, क्या करता है, अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग कोर्स एज एसोसिएट जॉब ग्रेड कोर्ट एंड अदर इंफॉर्मेशन. द डाटाबेस ऑल्सो कंटेन द डाटा ईच पर्सन अटैच ईच कोर्स वेयर अप्लीकेबल. द अजम्पशन इज दैट अटेंडेंस एट ऑल द एट द कोर्स इज एसेंशियल बिफोर द स्किल कैन बी सेड टू बी दर अक्वायर. अब यहाँ पे हमें स्केच बनाना है कि हमें अगर उस इंसान का पूरा डाटा चाहिए, ओवरव्यू चाहिए, ठीक है. अब रिलेशन डाटाबेस क्या करता है, देखो बच्चों, यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई पर्सन की, एक स्किल की और एक पर्सनल स्किल की. यहाँ पे हमने इनके नाम दिए पी नेम से, ठीक है. ये हमारे क्या हैं, पी नेम, एड्रेस, और यहाँ पे कोई भी आप की डाल सकते हो. तो ये क्या है, हमारे एट्रीब्यूट्स, ठीक है. नंबर ऑफ कॉलन क्या होते हैं, हमारे एट्रीब्यूट्स, जैसे ये हैं. अब डिग्री की बात की जाए, किसकी डिग्री की, अब इस टेबल की डिग्री कितनी है बच्चों, तीन. इसकी कितनी है, तीन, चार, सॉरी, चार. और इस टेबल की डिग्री कितनी है, तीन. ये बात समझ में आई. अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे हमने बात की, अब ये क्या कहता है, देखो यहाँ पे एड्रेस हो गया. अगर मैं इसको की स्किल को, देखो जॉब कोड है यहाँ पे, मुझे इस डाटा में अगर मैं टेबल के थ्रू ये चाहूँ, अगर मैं की स्किल को यहाँ पे ऐड कर दूँ, तो इस टेबल के लिए स्किल की मतलब स्किल नेम क्या हो जाएगा, फोरन की बन जाएगा, क्योंकि फोरन की के थ्रू हम दूसरी टेबल के कंप्लीट डाटा को एसेस कर पा रहे हैं. अगर यहाँ पे मैं क्या करूँ, जॉब ना कह के मैं कहती हूँ ज्वाइनिंग डेट, ज्वाइनिंग डेट, ठीक है. ज्वाइनिंग डेट को मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, तो इस टेबल का क्या बन जाएगी, ये फोरन की बन जाएगी. अब बच्चों मैं आपसे पूछती हूँ, इसमें से कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको हम प्राइमरी की बना सके, आपको बताना है मुझे कि क्या इस टेबल में ऐसी चीज़ है कि जिसे हम प्राइमरी की बना सकें, ठीक है. मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे लिख के. अब हम, आपको ये चीज़ समझ में आई. अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, व्हाट आर व्यू, व्यू क्या होता है, हाउ आर दे यूजफुल, और वो यूजफुल क्यों है. ए व्यू इज ए वर्चुअली टेबल, ठीक है, डज नॉट द रियली एग्जिस्ट, इज अ वोंट राइट बिकॉज इंस्टांस ड्राइव्ड फ्रॉम वन और मोर एंड द अंडरलाइनिंग डाटाबेस टेबल. द व्यू इज काइंड ऑफ टेबल हुज द कंटेंट आर टेकन अपॉन द अदर डिपेंडिंग अपॉन इन क्वेरी कंडीशन. नो स्टोरेड फाइल इन क्रिएटेड टू स्टोर द कंटेंट ऑफ व्यू एंड रेदर ए डेफिनेशन इज स्टोर ओनली. द usefulness of view that he is a fact that provide an excellent way to given people access to the sum but not all the information in table. अब बच्चे मैंने क्या किया, एक टेबल का व्यू देखा. ये कहता है कि जो उससे रिलेटेड जो वर्चुअली टेबल जो हमें दिखाई दे रही है, हमने क्या किया कि उसमें कोई अंडरलाइन जो टेबल है उसमें हमने क्या किया, कुछ कंटेंट ऐड किया, बट उसमें कुछ क्वेरी है, पर हम उस कंटेंट को सेव नहीं कर सकते डाटाबेस में, बट वो रादर देन डिपेंड होता है स्टोरेज में ओनली, हम तक दिखता है, मतलब हमारी प्राइमरी में सेव है. जब हम उसको यूजफुलनेस व्यू या लाइज द फैक्ट दैट प्रोवाइड द एक्सीलेंट वे, अगर हम उसको जब तक एक्सीलेंट वे में इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, बट नॉट ऑल द इन्फॉर्मेशन, तो हम में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है. उससे यूजफुलनेस क्या है कि हम पहले अपने डाटाबेस अपडेट करने से पहले हम पहले अपनी सारी चीज़ों को चेक कर ले, कोई क्वेरी तो नहीं है, कि अगर क्वेरी है तो हम उसको रिसोल्व कर पाएँ, ठीक है. अब आगे बात करते हैं, क्या है,
व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग एसक्यूएल, माई एसक्यूएल। हाँ बच्चों, हमने माई एसक्यूएल पढ़ा था। माई एसक्यूएल में आपको ये पता चला था कि माई एसक्यूएल कब आई थी, किसने लॉन्च की थी, कब हुई थी, और हमें ये भी पता चला था कि हमें अगर माई एसक्यूएल इंस्टॉल करनी है अपने सिस्टम में तो हमें वेबसाइट भी दी गई थी। आपने इंस्टॉल की है, नहीं की है तो हम आपको फिर से वही आपको ईमेल आईडी बता देती हूँ। माई एसक्यूएल इंस्टॉल करने के लिए www.myeql, ठीक है, ये सॉरी शॉर्ट फॉर्म में होगा sql.org, ठीक है, ये आपके है। यहाँ पे जाके आप माई एसक्यूएल इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है, आपकी एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। क्या है? ओपन सोर्स लैंग्वेज है, समझ में आई? जिसका क्या है, ये रिलेशन डाटाबेस सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम के साथ ये क्या करती है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, और ये स्टोर करती है किसको, इंफॉर्मेशन को, टेबल के फॉर्म में, ठीक है। और माई एसक्यूएल डाटाबेस कंटेन ऑल द टेबल्स वन एंड स्टोर थाउजेंड ऑफ इंडिविजुअली रिकॉर्ड। इंडिविजुअली रिकॉर्ड बच्चे मतलब ऐसे एक रो में एक बंदे की इंफॉर्मेशन, यहाँ पे किसी मयंक की इंफॉर्मेशन है कि वो कब पैदा हुआ था, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आधार कार्ड नंबर क्या है, उसका नाम कब क्या रखा है, उसकी मम्मी का नाम क्या है, फादर का नाम क्या है। तो हमें यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर बंदे की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो नंबर ऑफ थाउजेंड इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आई? अब हम आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माई एसक्यूएल सर्वर इंस्टांस, ठीक है। हम बच्चों देखो, सर्वर की बात की जाए यहाँ पे, सर यहाँ पे क्या होते हैं, जो बैकग्राउंड प्रोसेस एंड एप्लीकेशन है, क्या करता है ये इंस्टांस, क्रिएटेड फ्रॉम बैकग्राउंड प्रोसेस एंड एप्लीकेशन इज स्टे इन ए मेमोरी एंड लिसन फॉर क्लाइंट रिक्वेस्ट। यहाँ पे क्या करता है बच्चे कि माई एसक्यूएल ने सर्वर पर इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी सर्वर की मेमोरी में। जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा नेटवर्क के ऊपर तो वहाँ पे क्या कर लेगा, उस डाटाबेस से वो कंटेंट फैच कर लेगा, रिक्वेस्ट कर लेगा और प्रोवाइड कर लेगा क्लाइंट। समझ में आई? माई एसक्यूएल क्या करता है बच्चे, अब देखो आपको एग्जांपल देती हूँ। आपके पास क्या है कि एक अलमीरा है, अलमीरा के अंदर एक की है। अब जिसके पास अगर किसी ने उस की को ओपन किया तो उस अलमीरा में जो डाटा रखा है तो आप उसको ले सकते हो। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, माई एसक्यूएल क्या करती है, आपको हेल्प करती है कि आप क्या कर लो कि सर्वर पर स्टोर कर दो, और क्लाइंट को जब इंफॉर्मेशन चाहिए तो रिक्वेस्ट सेंड करेगा और इंफॉर्मेशन ले लेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लाइंट। अब क्लाइंट क्या तो होता है माई एसक्यूएल में, ये क्या करता है, कनेक्ट करता है किसको, माई एसक्यूएल सर्वर्स एंड इश्यूज क्वेरी, किसी क्वेरी को। क्लाइंट कभी किसको, क्लाइंट कैसे जुड़ेगा, क्लाइंट को जब क्वेरी होगी, मतलब अब एक बात बताओ कि आपको सब कुछ समझ आ जाता है अपने आप से तो आप स्कूल क्यों जाओगे, आपको वो कंटेंट अच्छे से समझना है ना, इसीलिए। तो क्लाइंट किस लिए गया सर्वर के पास, कि उसको क्वेरी थी, उसके माइंड में कुछ था कि वो समझे, और वो क्या किस में मिलेगी, एक हमें स्पेसिफाइड फॉर्मेट में मिलेगी, और वो कैपेबिलिटीज़ विद द स्टैंडर्ड बेस एंड द स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो क्लाइंट है कंटेक्ट विद द सर्वर्स प्रोग्रामेटिकली और मैनुअली। यहाँ पे जो सर क्या है, क्लाइंट है वो अपना जो कंटेंट लेना चाहता है वो मैनुअली भी ले सकता है, मतलब उसकी कॉपी भी ले सकता है और प्रोग्रामिंग भी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें हम किसकी, एट क्वेश्चन की, और एट क्वेश्चन में कहता है माई एसक्यूएल प्रोवाइड सम कमांड्स एंड लाइन। माई एसक्यूएल हमारे पास बहुत सारी लाइन है और GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोग्राम भी है, उनके नाम बताने हैं। अब देखो कमांड लाइन के बारे में हम बात करें तो इसने बताया था माई एसक्यूएल डम है और माई एसक्यूएल एडमिन है, जिनमें हमारी कमांड लाइन प्रोग्राम होती है, और जो ग्राफिकली हमें प्रोवाइड करा देता है तो माई एसक्यूएल एडमिनिस्ट्रेटर है और माई एसक्यूएल क्वेरी ब्राउज़र है। ये बात समझ में आई?
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, व्हाट इज एसक्यूएल एंड डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस कैटेगरीज ऑफ कमांड एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है हमारी, ओरेकल बेस है, ये भी बताया था। और यहाँ पे यूज़र मस्ट बी द यूज एंड स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये भी समझ में आया। और ये क्या है, ये रिकॉग्नाइज करती है किसको, RDBMS को, क्या करती है, RDBMS को रिकॉग्नाइज करती है। अब यहाँ पे क्या है, ये कितने में डिवाइड है, ये DDL है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDML है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ट्रांजेक्शन्स कंट्रोल है, सेशन कंट्रोल है, सिस्टम कंट्रोल है। हम बेसिकली दो लैंग्वेज पे काम कमांड पे काम करेंगे, किस पे, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। अब इसने डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस बच्चों मैंने पहले भी कराया था, DDL क्या है बच्चों, आप एक कंप्लीट टेबल जब स्टार्टिंग में तैयार करते हो वो तैयार करने के काम आती है, आपके पास ऑब्जेक्ट है, आप ग्रांड लेते हो, अल्टर करते हो, क्रिएट करते हो। और DML क्या करती है, जब एक टेबल में आपको कोई रो इंसर्ट करनी है या कोई डिलीट करनी है, ठीक है, तो DML कमांड की हमें ज़रूरत पड़ती है। ये बात समझ में आई आपको। अब इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, छोटी एब्रीवेशन देख लेते हैं कि जिससे आपका मोटा मोटा रिवीजन हो जाए। अल्टरनेट की क्या कहती हैं बच्चे, जो कैंडिडेट की होती है, नॉट ए प्राइमरी की। अल्टरनेट की वो होती हैं जो आपकी प्राइमरी की नहीं बन सकती, ठीक है। प्राइमरी की क्या होती है, जो अपने अंदर एक यूनिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है और जिसके जिसके पास वो किसी के पास भी इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एट्रीब्यूट कॉलन ऑफ रिलेशन हो गए, क्या हो गए, कॉलन ऑफ रिलेशन। बेस टेबल क्या है, टेबल हैविंग इंडिपेंडेंट इंस्टांस रिप्रेजेंटेड इन स्टोर ए द डिस्टेंस स्टोरेज वैल्यू। बेस टेबल क्या करती है कि वो इंडिपेंडेंट मतलब आप एक यूनिक वैल्यू स्टोर करके चलेगी और वो किसी भी ऐसी फाइल को स्टोर नहीं करेगी जिसका दूसरी से लिंक हो। कैंडिडेट क्या करता है आपका, यहाँ पे एट्रीब्यूट कम्बिनेशन रिलेशन दैट कैन सेव एज ए प्राइमरी की। कैंडिडेट की क्या है कि वो कैंडिडेट की तो है ही है, पर उस कैंडिडेट की में क्या ऐसे फीचर्स हैं कि वो प्राइमरी की बन जाए। अब कार्डिनलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ टप्पल इन ए रिलेशन, क्या है, नंबर ऑफ टप्पल ऑफ रिलेशन। अब यहाँ पे एक है टेबल है 1, 2, 3, 4, 5, तो आपके क्या है एक सिक्वेंस ली हुई है, इनका एक दूसरे से क्या है रिलेशन, ठीक है। अब डेटाबेस क्या, डाटा रेडंडेंसी का मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। डाटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डाटा। डाटाबेस सिस्टम क्या है कि वो कम्बिनेशन करता है किसको, रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम इन डाटाबेस। डिग्री नंबर ऑफ कॉलम एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन, ठीक है। डोमेन क्या है, ए पोल ऑफ वैल्यू विच फ्रॉम विच द एक्चुअली वैल्यूज एंड द ऑपरेटिंग इन ए गिवन कॉलम आर डाउन, ठीक है। जो एक्चुअली वैल्यू जिसके पास क्या है सेव है कोलन के अंदर। प्राइमरी की कहलाती है सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टप्पल विद इन ए रिलेशन। विद इन रिलेशन के अंदर एक ऐसी टेबल कोलन फाइंड आउट करना जिससे आप क्या कर पाओ, उससे यूनिक वैल्यू के साथ हर किसी चीज़ का आइडेंटिफिकेशन पता कर पाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट कहता है कि रिलेशन क्या होता है, डाटा अरेंज इन रो एंड कोलन की फॉर्म में, ठीक है। टप्पल क्या कहलाती है, रो ऑफ रिलेशन। व्यू क्या है, वर्चुअली टेबल मोर वन और मोर अंडरलाइन टेबल होती हैं। डाटा डिक्शनरी क्या करती है, कंटेनिंग मेटा डाटा, मतलब बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर करके चलती है। एसक्यूएल क्या है, आपकी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, ऑपरेट करती है किसको, RDBMS को। बच्चों आई होप सो आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट समझ आया होगा, प्रीवियस वीडियो देखी होंगी, आज हमने उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। और जितना हो उसके वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो बच्चे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।